हेलो दोस्तों, आज तक मैं आप सभी को माउनो के काफ़ी माइक सजेस्ट करते आया हूँ, बट अभी माउनो ने एक बेहतरीन माइक लॉन्च किया है, बहुत ही कम प्राइस पर पूरी किट लॉन्च की है। अभी मैं आपको उसका एक ट्रायल भी दिखाऊंगा, बट एक हम फर्स्ट लुक देख लेते हैं कि माइक कैसा दिखता है, किस तरीके का माइक है। प्लस मैं इन तीनों का गिव अवे कर रहा हूँ, आप में से किन्हीं तीन यूज़र्स को इनमें से एक एक प्रोडक्ट मिलने वाला है तो वो लास्ट में बात करेंगे हम गिव अवे की, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले हम माइक देख लेते हैं कैसी क्वालिटी है, क्या आपको लेना चाहिए भी नहीं लेना चाहिए, अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम इसको एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं। जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम इसकी एक बार। तो हमें किट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अपना माइक। यार माइक बिल्कुल भी जिस प्राइस रेंज में ये माइक आता है ना, तो बिल्कुल भी लगता नहीं है कि इतना बजट ओरिएंटेड माइक होगा। काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लुकिंग फील है यार इसकी, काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है और फुल मेटल में है, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कहीं से भी चीप फील। और अभी क्वालिटी हम इसकी चेक करेंगे, हम बाकी चीज़ें देख रहे थे क्या क्या इसमें मिलता है हमको। और इसमें एक केबल मिलती है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले के लिए हमें एक केबल मिलती है। और यहाँ पर हमको मिलता है एक शॉक माउंट और हमको मिलता है एक स्टैंड। और इसका एक स्टैंड माउंट हमको यहाँ पर मिलता है। और ये बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं हूँ अनबॉक्सिंग में, बट इसको हम लगा सकते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर अगर हम इसे यहाँ से ढीला करें, ऐसे इसको लूज़ करते हैं यहाँ से, और इसको हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ से टाइट कर देंगे और ये हमारी टेबल में फिट हो सकता है। और अभी हम इसको रखते हैं साइड में। साथ में हमको बहुत सारी काम की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हमको एक पॉप फिल्टर मिल जाता है। और यार ये सबको पता है कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी सॉन्ग गाने के लिए, क्योंकि के जो साउंड होते हैं, जो हमारा गाते टाइम हवा निकलती है तो उसको रोकने के लिए काफ़ी मददगार रहता है। और अगर आप पॉडकास्ट वगैरह करते हैं तो उसके लिए ये ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें आपका फेस भी दिखना होता है और आपका माइक आपके मुंह के ज़्यादा पास रहता है, तो उसमें आपको ये वाला पॉप फिल्टर ज़्यादा काम में आएगा जो फोम वाला होता है। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं हमें माइक के साथ। और अभी हम इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि क्या इस प्राइस रेंज में ये माइक आपके लिए ठीक रहेगा। प्राइस मैं एंड में बताऊँगा कि इसका क्या प्राइस होने वाला है, फिलहाल हम इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। मैं अकेला रह गया जा।
दे तू मुड़ के फिर देख ले, दिल कहता है फिर एक दफा ढूंढ ले, आएगी कभी वो यही लौट के, हूँ यही मैं वो, तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसी परफॉर्मेंस है इस माइक की। सच बताऊं तो मुझे काफ़ी पसंद आया, जिस प्राइस रेंज में ये माइक आता है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है ये। और अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी सारी अच्छी बातें ही बताऊंगा, कुछ प्रोज बताऊंगा, कुछ कॉन्स बताऊंगा। पहले प्रोज की बात कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा माइक है, क्लैरिटी अच्छी है, और जो अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी निकाल के देता है। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप BM-800 जैसे माइक्स लें जिनकी क्वालिटी उतनी खास निकल के नहीं आती है, आपका काम ये बिल्कुल आसानी से कर देगा। इवन उसमें तो आपको सिर्फ माइक मिलता है, यहाँ आपको पूरी किट मिलेगी। और ये माइक मुझे काफ़ी प्रीमियम फील होता है, क्वालिटी के हिसाब से भी, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है और साउंड के हिसाब से भी। और एक मुझे हल्की सी इसकी बुरी बात लगी ये कि इसमें हल्का सा मुझे डिटेल्स की कमी लगी। ऑल दो हम उनको ठीक कर सकते हैं, प्रोसेसिंग में डिटेल्स अपनी तरफ से हल्की सी एनहेंस कर सकते हैं, बट वही बात है जो नेचुरली निकल के आती है माइक्स में से वो ज़्यादा बेटर होती है आप बाद में प्रोसेसिंग में डालें तो। बट अगर मैं ये देखूँ कि हाँ भाई इस प्राइस रेंज में ये चीज़ मिलेगी तो मैं डेफिनेटली लूँगा इस माइक को। और अगर मैं बात कंपेयर करूँ इसको अपने ऑडियो टेक्निका के माइक से, तो देखो यार वो कहीं ना कहीं इससे आगे पड़ता है डिटेल्स के मामले में, क्योंकि अगेन वो 15,000 का सिर्फ एक माइक मिलता है और यहाँ पर आपको 4,000 में सिर्फ एक किट मिल रही है। तो आप सोच सकते हो थोड़ा बहुत क्वालिटी डिफरेंस होगा, बट सीरियसली क्वालिटी अच्छी है। अगर आपका बजट कम है तो आप इस माइक की तरफ जा सकते हो। सीरियसली माउनो ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और अभी हम बात कर लेते हैं गिव अवे की, आप कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना, बस कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा स्टेप है, आपको नीचे कमेंट में अपनी इंस्टाग्राम आईडी और कोई भी रैंडम कमेंट कर दो, जो भी आप सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आपको पसंद आई नहीं पसंद आई कुछ भी, जो भी आपकी राय है बिल्कुल जेन्युइन। अगर ऐसा नहीं है कि मैंने कमेंट छाटा और उसमें आपने बोला नहीं मुझे वीडियो पसंद नहीं आई, ऐसा नहीं है कि आप जीत नहीं सकते, आप जीत सकते हो। आपका जेन्युइन ओपिनियन लिखो नीचे कमेंट में, और अपनी इंस्टाग्राम आईडी जरूर लिखना, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट भी तो कहीं भी करना पड़ेगा ना कि जो भी जीतेगा। बाद में हम एक रैंडम कमेंट पिक करेंगे, उसमें से सबसे पहला जो कमेंट पिक किया जाएगा उसमें आपको मैं एक यूज़र को मैं ये माइक गिव अवे करूँगा, और बाकी के दो यूज़र्स को मैं ये बेसिकली यूट्यूब के लिए काफ़ी अच्छे माइक, अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाते हैं तो मैं उनमें से दो यूज़र्स को ये माइक्स गिफ्ट करूँगा जो कि माँ उन्होंने हमें भेजे हैं। और अगेन ये भी काफ़ी अच्छे माइक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकल के आती है। और हम सब चीज़ों को जो भी कंपेयर करना है उनके प्राइस रेंज के हिसाब से कंपेयर करना चाहिए, वरना महंगे से महंगे काफ़ी अच्छे और माइक्स भी आते हैं, बट जहाँ बात आती है प्राइस रेंज की कुछ चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं, और लिमिटेड चीज़ों में हमें अच्छी चीज़ें कहाँ मिलेंगी वो हमको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। तो ये माइक मुझे काफ़ी पसंद आया, इसका लिंक मैं, अगर आपको ये परचेज़ करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं, और प्राइस हल्की सी ऊपर नीचे होती रहती है वो भी चेक कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इस प्रोजेक्ट की, ये प्रोजेक्ट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप खुद डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि कैसी क्वालिटी है इस माइक की। उस प्रोजेक्ट में आपको इसके वोकल्स भी मिल जाएंगे, तो आप खुद अपनी तरफ से चेक कर सकते हैं कि हाँ अच्छी है भी या नहीं, आपको मतलब सैंपल होना ज़रूरी है एक चीज़ का। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं। चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।